स्वागत है आप सभी का आयुर् भास्कर चैनल पे। आज हम बात करेंगे उन विद्यार्थियों के बारे में जो उत्तर प्रदेश बोर्ड से आयुर्वेद फार्मासिस्ट आयुर्वेद उपचारिका का कोर्स जो है कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक जो है परीक्षा की तिथि का इंतज़ार किया है। आप सभी को पहले से पता है, एक वीडियो हमने जो है पहले दिया था जो कि बोर्ड के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही था। बोर्ड ने एक नोटिस जारी करके कहा था कि अब जो है हमें अपने सत्र को सुधारना है और हम जो है परीक्षाएं अगस्त से अगस्त कराएंगे। ठीक है, उनका सत्र जो है अगस्त से अगस्त कराना, जबकि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षाएं जो है कभी भी अक्टूबर में हुई हैं। और बात करें पिछले कुछ सत्र की तो जनवरी में भी एग्ज़ाम हुए हैं, दिसंबर में भी एग्ज़ाम हुए हैं, कोरोना के बाद से जनवरी और दिसंबर में भी एग्ज़ाम हुए, मतलब कि इतना लेट 1.5 साल पर एक बार एग्ज़ाम जो है हुआ है। जबकि इस बार कुछ चीज़ें सुधरने की ओर थी। बोर्ड ने नोटिस जारी किया था, बकायदा उस पर एक वीडियो भी मेरा है जिसमें आपको बताया गया है कि अब जो है सेशन सुधर जाएगा, अगस्त से अगस्त का होगा तो एग्ज़ाम आपके इस बार अगस्त में हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बोर्ड ने अपनी ही कहीं बात को ध्यान में नहीं रखा और फिर से जिस तरह से कछुए की गति से अपने कार्य को वो कर रहे हैं, उसी तरीके से इस बार भी वो उस कार्य को करने में लग गए हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म हाल फिलहाल में भरे गए हैं, आपके कॉलेज में भी भरे गए होंगे और आपको बोला भी गया होगा जल्दी जल्दी भर दीजिए, नहीं तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सुनने को मिली होंगी। लेकिन आपको बता दें, बोर्ड ने नोटिस जारी किया था, बकायदा नोटिस जारी किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि 27 सितंबर से पहले सभी कॉलेज, या लास्ट डेट 27 सितंबर थी, 27 सितंबर 2024 लास्ट डेट थी, इसके पहले या 27 तारीख तक सभी कॉलेज जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरा करके और वो ला करके बोर्ड ऑफिस में जमा करते हैं। ठीक है, तो 27 तारीख लास्ट डेट थी। तो अगर देखा जाए तो आज जो है 5 तारीख है, मान लीजिए आज चार तारीख अगर आज है तो उस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा दिन नहीं हुए। ठीक है, 1 हफ्ता 10 दिन हो गए, 1 हफ्ते के लगभग जो है दिन जो है चले गए हैं। तो बोर्ड फार्म सबमिट होने के बाद से आपने देखा होगा हमेशा 15 से 20 दिन के अंदर जो है एग्ज़ाम की डेट शीट जो है अनाउंस हो जाती है, डेट आ जाता है। इस बार एग्ज़ाम किन के होने हैं, इस बार एग्ज़ाम जो है डी फार्मा जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, तो जो 2023 और 24 सत्र के हैं उनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, और जो सेकेंड ईयर के हैं यानी कि फाइनल ईयर जो है जिनका फाइनल ईयर है उनका सत्र हैं 22 और 23। तो डी फार्मा में ये बैच जो है फाइनल का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगर बात करेंगे जीएनएम मतलब कि आयुर्वेद उपचारिका के एग्ज़ाम की बात करेंगे, तो आयुर्वेद उपचारिका में फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 2023 और 24 वाले हैं। सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम बोर्ड नहीं कराता है, 50 बार हर वीडियो में हमने बता दिया है, कॉलेज वाले लेते हैं वो अपने तरीके से, जो उनका मैटर हो वो जाने। थर्ड ईयर का जो सेशन है, थर्ड ईयर जो जीएनएम उपचारिका है, जो आयुर्वेद उपचारिका है, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम कौन देंगी, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देंगी 2021-22 वाली जो स्टूडेंट हैं वो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देंगे। और लास्ट ईयर मतलब कि फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम कौन देंगे, मतलब कि प्रसूति का जो एग्ज़ाम होना है जिसमें एक पेपर होता है 200 नंबर का, ये एग्ज़ाम जो है वो सेशन 2020 और 21 वाले विद्यार्थी जो हैं देंगे। ठीक है, तो तीन जो क्लासेस हैं मतलब कि आयुर्वेद उपचारिका फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, इनका एग्ज़ाम जो है होना है। तीन सत्र अलग अलग हैं, आपको बता दें कि फर्स्ट ईयर वाले 23-24 वाले हैं, थर्ड ईयर वाले 21-22 वाले हैं और फोर्थ ईयर 20-21 वाले हैं, इनका एग्ज़ाम होना है। अगर ससमय एग्ज़ाम हो जाता है तो अच्छी बात है, आप जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिएगा। वैसे तो जो आयुर्वेद उपचारिका इनके रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका जब भी प्रसूति का पेपर हो गया, प्रसूति का रिजल्ट आ गया, तो प्रसूति के रिजल्ट के बेस पे ही आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो आपको इंटर्न की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड जो है इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट जो है नहीं मांगता है। ठीक है, दिक्कत किन के लिए है,
ये जो फार्मासिस्ट हैं इनके लिए जो ये सत्र वाले जो हैं एग्ज़ाम जैसे ही देंगे इनका रिजल्ट आ जाएगा, तो 3 महीने का 3 मंथ का जो है इनका इंटर्नशिप लगता है। इंटर्नशिप और सभी को पता है कि इंटर्नशिप कैसे होता है, और जो कर चुके होंगे उनसे भी आप पूछ सकते हो कि किस तरह का इंटर्नशिप होता है। कई लोग जो है अलग तरीके से भी बनवाते हैं, कई लोग जो है इंटर्नशिप करने जाते हैं, तो आप जिस तरीके से आपको समझ में आए इंटर्नशिप करने के बाद से 3 महीने बाद जो है जब रिजल्ट आ जाए तो इंटर्नशिप कीजिएगा 3 महीने का, उसके बाद से रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो भी अगली भर्तियाँ आएंगी उसमें आप जो है दावेदारी कर सकते हो। ठीक, तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पहले आपको ये जानना होगा कि एग्ज़ाम की डेट, एक्चुअल डेट कब आएगी, एग्ज़ाम एक्चुअल में कब होगा। ठीक है, तो आपको बता दें कभी कभी ऐसा होता है कि त्योहारों की वजह से बहुत सारे जो कार्य हैं जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो पेंडिंग में रह जाते हैं, तो इसलिए भी लेट हो जाता है। तो आप अगर देखें तो अक्टूबर में नवरात्रि चल रहा है, उसके बाद से दशहरा दुर्गा पूजा है, और अगर दुर्गा पूजा के बाद से डेट शीट अनाउंस हो जाती है तो दीपावली से पहले आपके एग्ज़ाम किसी तरह से हो जाने हैं, अक्टूबर में ही हो जाने हैं। लेकिन अगर अनाउंस नहीं होता है दुर्गा पूजा के बाद, डेट शीट एग्ज़ाम की नहीं आती है, तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लीजिएगा, तब एग्ज़ाम आपके जो हैं नवंबर में 1 तारीख के बाद, यानी कि दीपावली के बाद जो छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं, मतलब कि सेकेंड वीक में, नवंबर सेकेंड वीक में द्वितीय सप्ताह में जो है आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। ठीक है, तो दिमाग में ही रखना है आपको कि दुर्गा पूजा के बाद जो है आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, ये संभावना है कि आपके एग्ज़ाम जो है दुर्गा पूजा के बाद जो है हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी रही बात आपके जो बोर्ड के नोटिस हैं उनकी बात अगर की जाए, तो बोर्ड ने अलग अलग नोटिस जो हैं जारी किए हैं अलग अलग चीज़ों पे। सबसे पहली चीज़ तो बोर्ड के जो नोटिस हैं उसमें सबसे पहला नोटिस उनका वो था जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म कब तक जमा करना है, वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अगर देखें तो बोर्ड का ही नोटिस है वो आपको दिखा रहे हैं। पहले क्या होता था कि सारे नोटिस जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब जो है नोटिस भी एग्ज़ाम वगैरह का जो नोटिस है वो कभी कभी लेट सवेर जो है वो देते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए आप, तो एक नोटिस इन्होंने दिया हुआ एग्ज़ाम के विषय में जो हम बता रहे थे आपको, एग्ज़ाम फॉर्म जमा करने के विषय में जो अभी आपको बताया जा रहा था। जैसे देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, जो सत्र की बात हम कर रहे थे, जिस सत्र की बात कर रहे थे किनको एग्ज़ाम में इस बार बैठना है, तो देखिए प्रसूति वार्षिक परीक्षा, प्रसूति वाला एग्ज़ाम कौन देंगे, 2021-22 वाले। ठीक है, और अंतिम वर्ष यानी कि तृतीय वर्ष वाले एग्ज़ाम जो देंगे उपचारिका वाले जो हैं 22 और 23 वाले, और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं 23 और 24 वाले, मतलब कि आयुर्वेद उपचारिका के 33 जो सत्र वाले जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में बैठने वाले हैं 2021-22, 2022-23 और 2023-24। अरे समझ में, 3 सत्र के विद्यार्थी इसमें बैठेंगे, ये आयुर्वेद उपचारिका वाले हैं जिनका फॉर्म भरा गया। ठीक है, और उसी क्रम में अगर देखा जाए जो फार्मासिस्ट हैं, तो फार्मासिस्टों में भी आपको बताया गया है, फार्मासिस्ट की अगर बात की जाए तो जो 23-24 वाले हैं वो फर्स्ट ईयर के हैं, और 22-23 वाले जो हैं वो लास्ट ईयर के हैं, और इसी तरह से आयुर्वेद का भी है, यूनानी का भी है। ठीक है, यूनानी फार्मासिस्ट, यूनानी उपचारिका, आयुर्वेद फार्मासिस्ट, इस तरह से एग्ज़ाम जो है उनके होने हैं, इसी तरह से एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा गया है। और ये जो नोटिस है ये देखिए 22 अगस्त को जो है दिया गया था नोटिस, जिसमें क्या कहा गया है ये भी आप देख लीजिए, सारी चीज़ें जो हैं फुल प्रूफ बताई जा रही हैं, जिसमें क्या कहा गया है कि दिनांक 28/8/2024 से दिनांक 20 सितंबर 2024 की सायं 5 बजे तक परीक्षा फॉर्म, परीक्षा शुल्क रुपये, अब जो भी लिया जाता है आपसे, लेकिन बोर्ड जो मांग रहा है वो चीज़ कॉलेज के लिए 2750 प्रति छात्र की दर से बोर्ड कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। तो परीक्षा फीस के साथ जो है ये जो है 20 सितंबर तक ये फॉर्म मांगे हैं। ठीक है, लेकिन फिर वो क्या कह रहे हैं, आपके पास टाइम भी है कि अगर आप लेट करते हो तो 21/9/2024 से 27/9/2024 की सायं 5 बजे तक विलम्ब शुल्क 500 प्रति छात्र के साथ परीक्षा फार्म में कार्यालय में जमा, मतलब कि ये अगर जो 20 सितंबर को नहीं जमा किए होंगे वो लेट फीस 500 रुपये के साथ, हर छात्र के 500 रुपये लेट फीस के साथ वो जो है 27 नवंबर तक इस फॉर्म को बोर्ड में जमा कर देंगे। ठीक है, और 27 के उपरांत किसी भी दशा में बोर्ड में फॉर्म जो है जमा नहीं होगा, ऐसा बोर्ड का कहना है। ठीक है,
अब बोर्ड जाने कि वो अपनी बातें कहता है तो कितना लोग मानते, मतलब कि वो उसकी बात वो कितना वो मानते हैं या जो कॉलेज वाले हैं वो मानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बोर्ड के द्वारा बताई गई, और जैसा कि अंदेशा लगाया जाता है हमेशा आपको पता भी है, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाते हैं तो 15 से 20 दिनों के बाद जो है आपका एग्ज़ाम डेट जो है जारी हो जाता है। तो हाल फिलहाल में अगर एक डेट बताया आपको, तो हमने बताया कि दुर्गा पूजा के बाद जो है डेट शीट आ सकती हैं और दुर्गा पूजा के बाद एग्ज़ाम जो है हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी रखिए, और ऐसे विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर में हैं, आयुर्वेद उपचारिका के विद्यार्थी हैं, आयुर्वेद स्टाफ नर्स के विद्यार्थी हैं, और ऐसे विद्यार्थी जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट के हैं फर्स्ट ईयर में, तैयारी कैसे करनी है, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें अगर समझनी है आपको तो वीडियो के प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, हमारे चैनल पे वीडियो का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आयुर्वेद फार्मासिस्ट और आयुर्वेद स्टाफ नर्स आयुर्वेद उपचारिका की प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, मॉडल पेपर आपको समझाया गया, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, या हमारे आयुर्भास्कर ऐप पे आप जो है लॉगिन कर लीजिए, प्ले स्टोर से आयुर्भास्कर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और आयुर्वेद स्टाफ नर्स का जो प्री एग्ज़ाम का जो कोर्स है आप देख सकते हो, और आयुर्वेद फार्मासिस्ट का कोर्स जो है फार्मासिस्ट के विद्यार्थी ले सकते हैं, वहाँ से आप सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप देख करके चयन कर सकते हो कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है, क्या करना है। बाकी जो रेगुलर जो क्लासेस है यूट्यूब पे दी जाती हैं, और जैसे एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाती है तो फार्मासिस्ट, आयुर्वेद फार्मासिस्ट और आयुर्वेद उपचारिका के मॉडल पेपर लेकर के हम आपके बीच में आएंगे, और एक एक क्वेश्चन को बढ़िया समझाया जाएगा कैसे एग्ज़ाम में लिखा जाता है। वैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको पता है कि कैसे परीक्षा होती है, तो उनका नहीं, जिनको मेहनत से लिखना है, अपने तरीके से लिखना है, उनके लिए जो है क्लासेस यहाँ पे दी जाएंगी, आप अच्छे तरीके से संतुष्ट होकर के पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये अपडेट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, इसलिए आप सभी को बताएगा, आपके कमेंट पे ये सारी चीज़ें जो हैं हम आप सभी के बीच लेकर के आए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, इम्पोर्टेंट है, तो अपने क्लासमेट्स तक, अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो में जो चीज़ें नहीं समझ में आई या आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।